को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए के हाथ एक पहली और बड़ी सफलता लगी है। हैदराबाद से दो सगे भाई मोहम्मद इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। एनआईए के अनुसार दोनों भाई आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। इनका मकसद पैसेंजर से भरी ट्रेनिंग सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट करना था, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता। कपड़े के बंडल में जो 100 ml की शीशी मिली थी, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में IED थी। पकड़ा गया नासिर मलिक, इसका एक्सपर्ट है। तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल के पास इनपुट थी कि इमरान मलिक और नासिर मलिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इनके मूवमेंट के बारे में पता किया जा रहा था। कई दिनों से कड़ी नजर भी रखी जा रही थी, फिर फुल प्रूफ प्लान के तहत दोनों को हैदराबाद से ही पकड़ लिया गया। एनआईए का ये दावा है कि ये दोनों लश्कर की सीमा पार से बनाई गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नासिर मलिक साल 2012 में पाकिस्तान गया था, वहीं इसने केमिकल से IED बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बिहार से लौटने के बाद से ही एनआईए की एक टीम हैदराबाद में कैंप कर रही है। पकड़े गए दोनों भाई से पूछताछ भी चल रही है। इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जाएगा और पटना के NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों भाई कपड़े के कारोबारी हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हैदराबाद में रहकर अपना कारोबार चला रहे थे। सूत्रों से जो पता चला है कि उत्तर प्रदेश के कैराना से जिस सलीम को पकड़ा गया था, उसके कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के इकबाल काना से थे। वो लगातार उसके संपर्क में था। दरभंगा में हुए ब्लास्ट की जिम्मेवारी ISI से सलीम को मिली थी। फिर इसने आगे के काम के लिए हैदराबाद के रहने वाले दोनों भाई मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक को सौंपा। जांच और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि पूर्व में दोनों भाई आतंकी संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं। इसके लिए एक बड़ी रकम भी की फंडिंग भी की गई है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।